हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, कुछ खुश नज़र आ रहे हैं मुझे आज, है नहीं है क्या? खुश, नाराज हो, मायूस हो, है ना? चलो कोई बात नहीं भाई, है ना? सुनिए भाई, तो जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने एक पार्ट को कंप्लीट किया जिसका नाम था अलैंगिक जनन। ठीक है भाई, अलैंगिक जनन को कंप्लीट किया था। अच्छा, अलैंगिक जनन के कुछ महत्व और थे ना, तो महत्व तो बहुत सिंपल है भाई कि भाई कुछ ऐसे प्लांट जिनमें कभी बीज नहीं बन सकता उनमें हम अलैंगिक जनन विधि से ही जनन करवाते हैं। ठीक है, इनकी जीवन क्षमता अधिक होती है, ये बहुत तेज गति से संतानें बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो तीन उसके महत्व तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आज जो हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के बाद, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो लैंगिक जनन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा जनन जिसमें जिसमें युग्मक निर्माण या युग्मक संलयन होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए भाई, लैंगिक जनन परिभाषा बहुत सिंपल हो गई, क्योंकि जब आपको अलैंगिक जनन की डेफिनेशन पता है तो यहां तो उसको जस्ट अपोजिट करके चलना है। एक सिंपल डेफिनेशन बनती है कि ऐसा जनन जिसमें एक तो युग्मक निर्माण और युग्मकों का संलयन होना आवश्यक है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं भाई, लैंगिक जनन बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? लैंगिक जनन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना, ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण व युग्मकों का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, और इसमें जिसमें ये दोनों घटनाएं नहीं होती हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, लैंगिक जनन में हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इतने सिंपल है ना जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर इतने सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं क्या, इतने इजी भी क्वेश्चन होते हैं क्या। ठीक है, ध्यान से आप सुनते जाइए केवल, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुनिए, अब सबसे पहला टॉपिक हमारे लैंगिक जनन वाले पार्ट में है जीवन की अवस्थाएं। टॉपिक को जरा ध्यान से सुनिए, जीवन की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि जीव एक जीव का जो लाइफ साइकिल होता है, जो जीवन चक्र होता है, उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं या कौन कौन सी स्टेज से वो गुजरता है। तो हालांकि आप सभी परिचित हैं अवस्थाओं से, तो मैं अवस्थाओं का एक बार नाम लिख देता हूं। पहली अवस्था जिसको हम किशोरावस्था या कायिक अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था जो होती है वो जनन अवस्था होती है, जनन अवस्था, और तीसरी जो अवस्था होती है वो तो आप सभी जानते ही हैं, जीर्ण अवस्था होती है, जीर्ण अवस्था, और वैसे चौथी जो अवस्था होती है वो मृत्यु होती है, पर आपको यहाँ उसे नहीं पढ़ना है। आपको केवल किसी भी जीव का जो जीवन होता है उसकी तीन स्टेजेस पढ़नी है, केवल तीन अवस्थाएं पढ़नी है। आप सभी परिचित हैं इनसे, आपको ज़्यादा इनमें समझाने की जरूरत नहीं है, इसको तो खासकर हेडिंग्स को समझाने की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तो आप सभी जानते हैं। देखो, वैसे तो सबसे पहले बाल्यावस्था होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर केवल अपने काम की बात करेंगे। तो देखिए, पहली अवस्था किशोरावस्था या कायिक अवस्था, दूसरी अवस्था जनन अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था जीर्ण अवस्था होती है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, जैसे किसी भी जीव का जन्म हुआ, है ना, जन्म हुआ, तो जन्म से लेकर जब तक वो
परिपक्व नहीं हो जाता या परिपक्व होने तक जो अवस्था होती है उसकी, वो उसकी किशोरावस्था या कायिक अवस्था होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं नॉर्मल समझा के चल रहा हूं। किशोरावस्था के बाद जो जीव की अवस्था आती है जिसमें वो जनन प्रक्रिया कर सकता है या जनन क्रिया के लिए परिपक्व हो जाता है, तो हम उसे उस जीव की जनन अवस्था बोल के चलेंगे। और जनन अवस्था जब उसकी खत्म हो जाती है तो वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, तो हम उसे उसकी जीर्ण अवस्था बोलते हैं। और एट लास्ट उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये तीन स्टेजेज आपको पढ़नी है इस लैंगिक जनन में अभी। और इन तीनों स्टेजेज में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट रूप से बताऊंगा और आपको उसी प्रकार से उस पर ध्यान देना है। आप तो केवल इतना ध्यान दीजिए कि मैं किस चीज पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जिस टॉपिक पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ आप उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट मान के चलिए, डेफिनेटली। ठीक है भाई, सुनिए, तो ये अवस्थाएं आपके नोट्स में भली भांति लिखी हैं, बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई हैं क्रम से। तो मैं पहली अवस्था पर चलूं जिसको आप किशोरावस्था या कायिक अवस्था बोल के चलते हैं। ठीक है भाई, सुनिए, इसको हम इंग्लिश में जुवेनाइल फेज बोलते हैं। मैं बाकी दोनों को रफ कर दूं अभी। अभी किशोरावस्था की हल्की सी बात करनी है केवल हमको, ज्यादा नहीं करनी है ना। जुवेनाइल इसको फेज बोलते हैं या वेजिटेटिव फेज बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, मैंने यहां ऑब्लिक में दो शब्द ये क्यों लिखे हैं, किशोरावस्था और कायिक। तो सुनिए, आपकी जो मैंने परिभाषा यहां लिखाई हुई है नोट्स में, आप उसमें देखना, दोनों जीवों के लिए लिखाई है, जंतु के लिए और प्लांट के लिए। तो यहां एक अंतर आप याद रखना, यदि प्लांट अपनी जनन से पहले की अवस्था में है तो आप उस प्लांट को किशोर बोलेंगे क्या? अरे कभी किसी प्लांट को ऐसे बोला, अरे यार ये पौधा तो किशोर पौधा है, अरे यार ये पौधा तो युवा पौधा है भैया, ऐसे बोलते हैं क्या? ये शब्द तो केवल एनिमल्स के लिए काम नहीं जाते, हमसे बोलते हैं ना, जैसे आप बच्चे हैं, कुछ तो कह रहे होंगे ओ बच्चे, ओहो ऐसे बच्चे ही तो हो यार अभी, है ना। जुवेनाइल फेज चल रही है अभी आपकी, मैच्योर नहीं है अभी आप, है ना, कुछ मैच्योर हैं, कुछ मैच्योर हुए क्या? हाँ, कुछ तो मेरे से भी बड़े हैं यार, नहीं है? हाँ हैं, चलिए कोई बात नहीं। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था जो शब्द है ना वो केवल एनिमल के लिए है, और जो कायिक जो शब्द है वो केवल प्लांट के लिए है। अब आपको मेरी बात क्लियर समझ में आ गई है ना। मैं पादपों की इस अवस्था को तो मैं कायिक अवस्था बोलूंगा, और यदि ये जंतुओं की अवस्था है तो हम इसको किशोरावस्था बोलेंगे। एक अब सिंपल सी इसकी थ्योरी सुन लीजिए, है ना। देखिए, कोई भी जो जंतु होता है उसके जन्म से अगर मैं पादप की बात करूं तो पादप का जन्म नहीं बोलते हम, अरे पादप का जन्म नहीं बोलते भैया, पादप का अंकुरण बोलते हैं। अंकुरण, बीज अंकुरित होता है जब ही तो एक नया प्लांट बनता है। देखो जंतु के लिए तो हम शब्द काम में लेने के, भैया एक जंतु ने एक जन्म लिया है। हाँ, एक जन्म क्या मतलब, जंतु ने जन्म लिया है, एक जन्म क्या सात जन्म होते हैं क्या? अरे कुछ नहीं है, सात जन्म, सातों जन्म है, सातों जन्म। ऐसे मूवी देखी है, वो कौन सी है यार, अजय देवगन की, मैं भूल गया ना, सातों जन्म। अरे सात जन्म कहाँ होते हैं, एक जन्म होता है। ठीक है भाई, हाँ ये सारी मन गढ़ंत के वदंती है केवल, है ना। हाँ, कहीं आप भी सोचें कि नहीं सर हमें सातों जन्म आपसे ही पढ़ना है, है ना। हाँ नहीं पढ़ाऊंगा भाई आपको बिल्कुल, है ना। चलिए सुनिए, जंतु जन्म से और पादप के अंकुरण से लेकर जनन अवस्था तक की जो अवधि होती है, मतलब जब तक वो
जनन अवस्था में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक की जो अवधि होती है वो उनकी किशोरावस्था या कायिक अवस्था होती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप सभी जानते हैं। अरे आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी कि कायिक अवस्था क्या होती है, आपको केवल यहाँ समझना है। अब कितनी सिंपल सी तो बात है कि जैसे आपका जन्म हुआ तो जन्म से लेकर अभी आप जैसे यो मानो कि नहीं आपकी एज तो हो गई है 15-16 साल से सभी ऊपर होते हैं 12th क्लास में तो, है ना। हाँ लेकिन मैं आपको बता दूं कि 13-14 साल तक आपकी किशोरावस्था मानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दोनों जी मतलब नर और मादा दोनों में कुछ प्यूबर्टी के लक्षण नज़र आते हैं, मैच्योरिटी जिसको आप बोलते हैं, जिसमें हमारे लिंग हार्मोन जैसे आपको पता हो टेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट एस्ट्रोजन वगैरह हैं, ये हमारे प्यूबर्टी के जो लक्षण होते हैं उनको शो करते ना, ठीक है। तो वो हमारी जनन प्रावस्था होती है, समझ गए ना आप। हाँ या कोई प्लांट, देखो आपने कोई पौधा उगाया, ठीक है, जब तक उस पौधे में फ्लावर नहीं खिलते, पुष्प नहीं आते, तब तक वो प्लांट की कौन सी अवस्था है बताओ, कायिक अवस्था है। क्योंकि फ्लावर उसमें कब आएंगे, जब वो जनन के लिए तैयार हो जाएगा, पूरा परपक हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर पुष्प का जननांग है ना, ठीक है भाई। तो जब तक किसी प्लांट में फ्लावर नहीं आता तब तक उसकी कौन सी अवस्था रहती है, कायिक अवस्था रहती है। ऐसे ही जब कोई जंतु जनन के लिए परिपक्व नहीं हो जाता उससे पहले तक की जो उसकी स्टेज होती है हम उसको क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, और इसको वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। तो कोई दिक्कत इस किशोरावस्था या कायिक अवस्था में कि जंतु के जन्म से और पादपों के अंकुरण से उनके जनन काल तक की जो अवधि होती है या जनन काल से पहले की जो अवधि होती है हम उसे किशोरावस्था या कायिक अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो जंतु होते हैं और प्लांट होते हैं वो अपने शरीर की केवल ग्रोथ करते हैं। भाई ग्रोथ ही तो होती है, आपने सुना है ना कि हम सभी की जो लंबाई वगैरह या शरीर की ग्रोथ है वो जनन अवस्था से पहले ही ज़्यादा होती है, समझ में आ गई बात। हाँ तो ये हमारी ग्रोथ फेज भी है भाई कायिक अवस्था। तो इस कायिक अवस्था को आप समझ के कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन सी है। चलिए अब मोस्ट हम बात करते हैं भाई सेकंड की। सेकंड अवस्था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी अवस्था भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे जीर्ण अवस्था है, आप सभी जानते हैं कि जनन अवस्था के बाद की जिसमें जो जंतु है या पादप है वो अपने बुढ़ापे की तरफ होता है या उसके शरीर जो है वो नष्ट होने लग जाता है, तो वो जीर्ण अवस्था है। तो मोस्ट वन जो अवस्था है, ध्यान से सुनो, मोस्ट वन जो अवस्था है किसी भी जीव की वो जनन अवस्था होती है। कौन सी अवस्था, जनन। तो हम इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोल सकते हैं, मैं इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोल सकता हूँ जनन प्रावस्था को, बताइए बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, रिप्रोडक्टिव फेज। ध्यान से सुनो अब मेरी बात, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, समझ में आ गई मेरी बात। बिल्कुल देखो जीर्ण किशोरावस्था उसमें मैंने ज़्यादा नहीं बताया, केवल आपसे कहा कि भाई इनका ये मतलब होता है, आपको मतलब समझ में आ गया, आप पढ़ भी लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है या रिप्रोडक्टिव फेज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके ठीक प्रकार से समझते हुए चलना है। ध्यान से सुनिए, अब आप सभी जानते हैं कि ये किसी प्लांट या जंतु की ऐसी अवस्था है जिसमें वो जनन करेगा, करेगा नहीं करेगा जनन। तो मैं यहां पे बोर्ड की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इसको अलग अलग आपको समझा रहा हूं। पहले मैं आपको बता रहा हूं पादपों की जनन अवस्था में क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जंतुओं की जनन अवस्था में क्या क्या घटनाएं होती हैं। क्लियर, अब क्वेश्चन पर ध्यान देना।
हमारी बात अभी केवल किस पे चल रही है कि जब कोई प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में होता है, जब कोई पौधा अपनी जनन अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, या किस कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, पादप जो होते हैं जब इनकी जनन अवस्था आती है तो इनमें एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं पुष्पन, फ्लावरिंग की क्रिया, पुष्पन होना। क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि यदि प्लांटों में पुष्पन हो रहा है तो उसकी जनन प्रावस्था है कि नहीं। क्वेश्चन सुनना, आप क्वेश्चन बनता है यहां से, इसलिए फोकस कर रहा हूं मैं, आपको भी फोकस करना है। देखिए, जो पादप होते हैं उनमें पुष्पन की जो क्रिया होती है उस आधार पर हम प्लांटों को दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में, है ना। अब मैं थ्योरी पूरी नहीं लिख रहा हूं भाई, इतने तो समझदार है यार आप, आपको कौन सा लिखना है आप समझ जाएंगे ना, दो भागों में बांटा गया, केवल इतना ही तो समझना है आपको। सुनिए, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन चल रहा है, क्या चल रहा है क्वेश्चन। मैं क्या कह रहा हूं कि हम प्लांट की जनन प्रावस्था देख रहे हैं, बोलो देख रहे हैं नहीं देख रहे। जनन प्रावस्था का मतलब आप जानते कि भाई ये तो इस प्लांट की ऐसी अवस्था है जिसमें ये जनन करेगा, ठीक है। जब भी प्लांट की जनन प्रावस्था आती है तो इसमें से फूल निकलते हैं, और फूलों का निकलना हम पुष्पन कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है वो समझो, क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो पुष्पन करने के आधार पर दो प्रकार के। पहला नंबर ए, बहुत ही अजीब सा नाम है भैया, जिसको संकृत फली बोलते, संकृत फली, मोनोकॉर्पिक प्लांट, मोनोकॉर्पिक। और बी है बहुसफली, जिसको पॉलीकॉर्पिक, क्या बोलते हैं भैया, पॉलीकॉर्पिक प्लांट। आपके नोट्सों में मैंने ये शब्द नहीं बताए, ना ही आपको याद भी करने, यदि आपको नहीं होते, आपको केवल इतना पढ़ना है कि पुष्पन के आधार पर जो प्लांट हैं हम उन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मोनोकॉर्पिक प्लांट और एक पॉलीकॉर्पिक प्लांट। इतनी बात समझ में आ गई मेरी, क्या कह रहा हूं मैं आपको, क्या कहना है कि सर जो पौधे होते हैं ना, जब ये अपनी जनन प्रावस्था में आ जाते हैं तो सर ये पुष्पन करते हैं। मैंने कहा यार बिल्कुल पुष्पन करते हैं, और सर हम पुष्पन के आधार पर प्लांट को दो भागों में बांट सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए बताइए कौन कौन से दो भाग। आप बोलते हैं सर देखिए, एक तो मैं मोनोकॉर्पिक प्लांट कह सकता हूं और एक पॉलीकॉर्पिक प्लांट कह सकता हूं। मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो आज जरा आप मुझे बताइए क्या है मोनोकॉर्पिक और क्या है पॉलीकॉर्पिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कितनी बार कहूं कि बायोलॉजी की 99% हेडिंग बताती है कि मैं कौन हूं। ध्यान सुनिए, मोनो, मोनो माने क्या होता है, एक होता है, पॉली माने क्या होता है, बहुत होता है। बताइए होता है कि नहीं होता, बताइए, मोनो माने एक नहीं होता, पॉली माने बहुत नहीं होता। तो एक सिंपल सी बात है, आप आधार क्या लेके चल रहे हैं, पुष्प निकलने का आधार, पुष्पन क्रिया का आधार, मतलब पुष्प निकलना। तो देखो ये कितनी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार मैं कॉमन डेफिनेशन बता के चल रहा हूं दोनों की। सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मोनोकॉर्पिक प्लांट, मोनोकॉर्पिक प्लांट क्या होते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर है सर ऐसे पौधे, सर ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ स्पान में केवल कितनी बार पुष्प निकालें, केवल एक बार। क्योंकि ये कौन से प्लांट है, ये मोनोकॉर्पिक प्लांट है, और मोनो माने क्या होता है, एक होता है। तो अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार पुष्पन क्रिया करेंगे ऐसे प्लांट, केवल एक बार। तो कौन से प्लांट हो गए, मोनोकॉर्पिक। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पॉलीकॉर्पिक प्लांट, व्हाट इज पॉलीकॉर्पिक प्लांट, कि पॉलीकॉर्पिक प्लांट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे सर
ऐसे पौधे जिनमें कई बार लगातार हमेशा नहीं बोलेंगे आप कि बार बार पुष्पन की क्रिया हो। अंतर है दोनों में, और दोनों का अंतर आप मोनोपॉली में छिपा हुआ है। आधार है पुष्पन, तो आप कहेंगे सर ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं हम उन्हें मोनोकॉर्पिक प्लांट कहते हैं, और सर जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प उत्पन्न करते हैं हम उन्हें पॉलीकॉर्पिक प्लांट कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो तरीके से, समझो तरीके से, मन लगाओ मन। गारंटेड कह सकता हूं यदि कोई भी टॉपिक आपसे रह जाए, समझ रहे, यहां से आगे जितने भी टॉपिक है ना, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर, जितने भी टॉपिक हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक से एक इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में बायोलॉजी। कब आएगा? लेकिन जब आप सीरियस होके और मन लगा के पढ़े, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं आपसे आज कोई क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज मोनोकॉर्पिक एंड पॉलीकॉर्पिक प्लांट, तो आप एक सिंपल आंसर क्या होगा कि सर ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करें तो हम उन्हें मोनोकॉर्पिक कहते हैं, और सर जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प उत्पन्न करें हम उन्हें पॉलीकॉर्पिक प्लांट कहते हैं। तो बताइए क्या दिक्कत है इन दोनों की परिभाषाओं में? समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करेंगे और अपने जीवन काल में ये बार बार पुष्प उत्पन्न करेंगे। तो मुझे यहां थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता है क्या? आप बताइए, चलिए, कोई आवश्यकता है? आप नहीं समझ पाए क्या भाई? यदि आपके पास नोट्स है, मैं आपसे कह दिया ना, जब भी मेरी आप वीडियो देखें आप बने हुए जो नोट्स है आप उनको अपने पास रखा करें। ठीक है, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं कि भाई मोनोकॉर्पिक कैसा है, तो आप एक नजर यहां सुनिए और अपनी किताब में नोट्स में देखिए कि क्या थ्योरी है, सर क्या बोल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा हर शब्द। समझ में आ गई? ऐसे पढ़ा करो आप। तो मोनोकॉर्पिक प्लांट क्या है? ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं हम उन्हें मोनोकॉर्पिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैंने इन दोनों की डेफिनेशन बताई है केवल आपको। तो परिभाषा मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। पॉलीकॉर्पिक कितनी बात हो गई सिंपल, अरे जिनमें बार बार पुष्पन की क्रिया हो। अब एग्जाम्पल और समझ लो ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, गेहूं चावल पर ध्यान दीजिए। गेहूं का जो पौधा होता है बताइए उसका जीवन काल कितना सा होता है? 3-4 महीने का होता है ना। तो एक बात मुझे बताओ, गेहूं एक प्लांट है, जब वो अपनी पुष्पन क्रिया करता है तो बताइए क्या वो दो बार पुष्प निकाल सकता है क्या? अपने जीवन काल में दो बार फ्लावर उत्पन्न करता है क्या? वो नहीं करता। अरे जब वो एक बार फूल बनाता है ना, तो बीज बनाता है, फिर हम उसको काट देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बताइए गेहूं के प्लांट ने अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार पुष्प उत्पन्न करे? केवल एक बार। तो क्या आप इसको मोनोकॉर्पिक प्लांट नहीं बोलेंगे? आप तो समझ गए ना मोनोकॉर्पिक क्या है। तो जितने भी आपके प्लांट हैं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार बाजरा मोस्टली, तो ये सभी कैसे प्लांट हैं भैया? मोनोकॉर्पिक प्लांट हैं। कैसे हैं? मोनोकॉर्पिक प्लांट हैं। आगे बात समझ में? अब आइए पॉलीकॉर्पिक पे। पॉलीकॉर्पिक की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि ऐसे पौधे जिनमें जनन अवस्था आने के बाद, ये शब्द आपके लिखे हुए हैं आप इनको समझ जाएंगे, कि अपनी जनन अवस्था आने पर ये बार बार पुष्पन की क्रिया करते हैं तो हम उन्हें पॉलीकॉर्पिक प्लांट कहते हैं, और जो अपनी जनन अवस्था आने पर केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करे हम उसे मोनोकॉर्पिक कहते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल पर जरा ध्यान देना, यहां भी दो एग्जाम्पल हैं, एक है लाला गुड़हल, गुड़हल, और एक मैंने लिखाया है आम। आम के आगे मैं लिख दिया है मौसमी और गुड़हल के आगे लिख दिया है सतत। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर? यहां तक दिख रहा है ना? चलिए सुनो मेरी बात। तो ये बात समझ में आ गई आपको
ये एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर रुको, यहां पर देखो जरा क्या है ये कि मैंने सतत और मौसमी क्या लिखा है। देखो हम पॉलीकॉर्पिक प्लांट में चल रहे हैं, परिभाषा आपको समझ में आ गई कि जो जनन अवस्था आने के बाद बार बार पुष्पन की क्रिया करते हैं उन्हें हम पॉलीकॉर्पिक कहते हैं। भाई बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल पर जरा ध्यान देना कि एक तो गुड़हल का पौधा है और एक है आम का पौधा। सुनिए, देखो सतत का मतलब होता है लगातार पूरी साल, और मौसमी का मतलब होता है कि एक कोई विशेष ऋतु में बस। तो अंतर आप समझ गए सतत और मौसमी में। और मुझे पता है कुछ बच्चे तो इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ गए ये मैंने क्यों लिखे हैं, नहीं समझे वो समझ लो। देखिए, गुड़हल का पौधा ऐसा होता है जिसमें 12 महीने फूल आते हैं। 12 महीने मतलब, कहने का मतलब है लगातार फूल आते रहते हैं। ऐसे ही सदाबहार का पौधा है, उसमें भी 12 महीने फूल आते रहते हैं। क्या आम के पौधे में 12 महीने फ्लावर होता है, फ्लोरिंग 12 महीने होती है क्या? देखो ध्यान से सुनो, आम का पौधा है तो पॉलीकॉर्पिक क्योंकि उसमें बहुत सालों मतलब बहुत सालों तक फूल आते रहते हैं, क्योंकि उसका जीवन काल लंबा है तो भैया वो हर साल फूल आते हैं, है तो पॉलीकॉर्पिक। लेकिन पॉलीकॉर्पिक भी कैसा है, वो मौसमी है। मौसमी का मतलब ये ऐसा पौधा है जिसमें एक विशेष ऋतु में ही फ्लावर की क्रिया होती है। जैसे जो अब टाइम चल रहा है ना गर्मियों का, तो गर्मियों के समय में ही इसमें फ्लावर आते हैं, है ना। अब आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे जो सभी मौसमी हैं, मौसमी लगभग। देखो नीम, देखो नीम में जब निवोली लगती है, आपको याद हो तो एक मैं बता दूं, कच्ची नीम की निवोली सावन जल्दी आइयो रे, सुना है ये, है ना। एक मतलब यहाँ प्रसिद्ध गाना है ये अपने राजस्थान का, अपने भरतपुर का या ब्रजभाषा का, आप भी गाते हैं। सावन में जब झूला झूलते हैं ना, सावन में जब झूला झूलते हैं ना, तो झूले झूला झूले हो कभी सावन में? सावन सावन नहीं यार, सावन बोलते हैं उसको, सावन का महीना, ठीक है, अगस्त और उसमें चलता है। तो नीम के और उनके पौधे पे जैसे अपने रस्सियों से झूला डालते हैं, उसको ऐसे झूलते हैं, तो तब ऐसे गाया जाता है ये गीत कि कच्ची नीम की निवोली सावन जल्दी आई हो ना। तो मतलब ऐसे इंटरटेनमेंट किया करते थे हमारे ग्रामीण लोग, ठीक है। हाँ, बड़ी अच्छी जिंदगी होती थी वो। आज क्या है, आज क्या है, आज तो आपने निवोली भी नहीं देखी। ये निवोली मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि आज कमेंट में बहुत निवोली निवोली हुई थी, ठीक है। हाँ चले, कोई बात नहीं, समझिए आप, केवल है फॉर इंटरटेनमेंट ये बात थी केवल। देखिए नीम का पौधा है तो नीम के पौधे में भी अभी भी फ्लोरिंग हो रही है गर्मियों के टाइम में, और उसमें जुलाई अगस्त तक उसमें नीम की निवोली आती है, समझ में आ गई बात। तो वो भी मौसमी है। कभी भी आपने नीम के पौधे में सर्दी और उनमें फ्लोरिंग क्रिया नहीं देखी होगी जाड़े सर्दियों में, ठीक है। तो वो भी एक मौसमी प्लांट है, लेकिन है कैसा, पॉलीकॉर्पिक। तो ये पॉलीकॉर्पिक में दो एग्जाम्पल आपको स्पष्ट समझ में आ गए कि मैंने गुड़हल को सतत क्यों कहा है और आम को मौसमी क्यों कहा है। अब पॉलीकॉर्पिक में दो नोट हैं, दो नोट समझ लेना पॉलीकॉर्पिक में, क्योंकि पॉलीकॉर्पिक मैंने किसको बोलते हैं कि जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल उत्पन्न करें, हम उन्हें पॉलीकॉर्पिक कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, नोट में क्या बता रहा हूं, अपवाद स्वरूप कुछ बातें बता रहा हूं। ये जो पौधे हैं वो एक वर्षीय पौधे हैं ना, तो भैया एक वर्षीय पौधों में तो स्वाभाविक सी क्रिया है पॉलीकॉर्पिक होना। जिनका जीवन काल ही एक साल का है वो तो मोनोकॉर्पिक होना उनका स्वाभाविक है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप में आपको दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो आपको याद करने हैं। अपवाद स्वरूप एक एग्जाम्पल की मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं बांस। क्या बोलते हैं भाई? बांस। बांस एक बहुवर्षीय प्लांट है, बहुवर्षीय, बहुत सालों तक जीता है, 50 से 100 साल तक जीता है बांस, ठीक है भाई। अब आप सोच रहे सर ये तो पॉलीकॉर्पिक होगा क्योंकि भैया 50 से 100 साल तक ही अपने फ्लावर करता रहेगा। कुछ बहुवर्षीय जातियां भी मोनोकॉर्पिक होती हैं,
जो अपवाद स्वरूप होती हैं। अब मोनोकॉर्पिक तो आप समझ गए कि सर मोनोकॉर्पिक तो वो होता है जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करे, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन जो बांस है ना, ये 50 से 100 साल तक जीवित रहता है। अब 50 से 100 साल बाद जब इसकी जनन अवस्था आती है, इतनी लंबी होती है, तो ये अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है और एक ही बार फल उत्पन्न करता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। अलग सिस्टम है इस बांस की, कुछ प्रजातियां होती हैं, सभी बांस नहीं होते, बांस की कुछ प्रजातियां होती हैं जो 50 से 100 साल तक कायिक अवस्था में बनी रहती हैं, और जब इनकी जनन अवस्था आती है तो केवल एक ही बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उसके बाद फल, और उसके तुरंत बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तुरंत बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बताइए आप इनको मोनोकॉर्पिक बोलेंगे या पॉलीकॉर्पिक बोलेंगे, बताइए, मोनोकॉर्पिक नहीं बोलेंगे क्या? क्योंकि हमने तो मोनोकॉर्पिक ये पढ़ा है जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करें। तो ये जो बांस है ना, हालांकि बहुवर्षीय प्लांट है, लेकिन पुष्प केवल अपने जीवन काल में एक ही बार उत्पन्न कर रहा है, तो आप इसको कौन सा प्लांट बोलेंगे, मोनोकॉर्पिक। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में सटीक लिखा रखे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको यहां समझना है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो इसका बॉटनिकल नाम है, जिसको आप सामान्य भाषा में नीला कुरेंजी बोल के चलते हैं, नीला कुरेंजी, दिख रहा है आपको यहां तक, ठीक है, हाँ यहां तक तो दिख रहा है। तो आप इसको नीला कुरेंजी बोलते, ध्यान से सुनो, एस्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना, जिसको आप सामान्य भाषा में नीला कुरेंजी बोलते हैं, ये एक प्लांट है जो केरल कर्नाटक तमिलनाडु में पाया जाता है। केरल कर्नाटक तमिलनाडु में ये नीला कुरेंजी नाम का प्लांट पाया जाता है, जो पहाड़ियों में क्षेत्र में होता है, पहाड़ियों में ना। तो इस प्लांट में 12 साल में एक बार पुष्पन होता है, 12 वर्ष में एक बार, 12 साल में कितनी बार, एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। कौन से प्लांट में, नीला कुरंजी में। एक शोध के अनुसार 2006 सितंबर अक्टूबर में इसमें पुष्पन क्रिया देखी गई थी, इसमें पुष्पन क्रिया देखी गई थी, किसमें, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना में, 12 साल में एक बार आते हैं इसमें। तो लास्ट में जो लास्ट इसकी पुष्पन क्रिया देखी गई है वो 2006 सितंबर अक्टूबर में देखी गई है। तो उस समय वहां का इतना मनमोहक दृश्य बन गया था कि पूरी पहाड़ियां जो थी बहुत ही आकर्षक लगने लग गई, और वहां बहुत सारे पर्यटक इसको देखने भी आए थे, नीला कुरंजी प्लांट को, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, कौन से प्लांट के, मोनोकॉर्पिक प्लांट के, बात समझ में आ गई। वैसे मतलब बहुवर्षीय प्लांट है हालांकि, लेकिन ये कौन सी कंडीशन शो करते हैं, मोनोकॉर्पिक, क्योंकि इनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प आ रहा है, आगे बात समझ में। तो बताइए मुझे, क्या आपको पादपों की प्रजनन अवस्था ये समझ में आ गई? अब आपको कुछ लेना देना नहीं है कि पादपों की प्रजनन अवस्था क्या है, आपको तो मतलब डायरेक्ट इससे है, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक से, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, ये दोनों एग्जाम्पल्स और ये दोनों इसकी विधियां या टाइप्स पुष्पन के आधार पर, एक मोनोकॉर्पिक और एक पॉलीकॉर्पिक। मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें कोई दिक्कत होगी, बहुत से सिंपल है भाई, ठीक है। तो आप इसको एक बार और पढ़ना और मुझे बताना। तो इसको मैं रफ कर दूं, तो हमारी जनन अवस्था चल रही है, तो ये जनन अवस्था केवल किस में कराई है, अभी मैंने प्लांटों में, तो प्लांटों की प्रजनन अवस्था की जब भी हम बात करेंगे तो बार बार किसको याद करेंगे, हम किसको याद करेंगे, अरे मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक। तो मोनो माने एक,
पॉली माने बहुत सारे, तो जिनमें एक बार पुष्पन हो मोनो, जिनमें बार बार पुष्पन हो वो पॉलीकॉर्पिक। दो एग्जाम्पल है, कितना सिंपल तो है यार, है ना, मोनोकॉर्पिक एंड पॉलीकॉर्पिक। अब हम बात करते हैं जंतुओं की, ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस प्रकार जनन प्रावस्था में हमने प्लांटों को पुष्पन क्रिया के आधार पर दो भागों में बांटा था, मोनोकॉर्पिक एंड पॉलीकॉर्पिक, उसी प्रकार हम जंतुओं की यदि जनन प्रावस्था देखें कि जंतु जब अपनी जनन प्रावस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें क्या होता है, मतलब ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब जंतुओं में जनन प्रावस्था आती है, जब जंतुओं में जनन प्रावस्था आती है तो इनकी मादाएं जो होती हैं उनमें जनन चक्र चलते, क्या चलते हैं, जनन चक्र, मतलब एक ऐसा साइकिल चलता है जिसकी वजह से इनमें जनन क्रिया होती है, ठीक है भाई। तो ये जो जनन चक्र चलता है जंतुओं में, अब मैं यहाँ पर केवल स्तनधारी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी आप बात, कि जंतु तो बहुत है लेकिन मैं यहाँ पर जिन जंतुओं की बात करने हम जा रहे हैं ना, वो केवल कौन से जंतु हैं भाई, वो केवल स्तनधारी जंतु हैं। कौन से जंतु, स्तनधारी जंतु, ठीक है। तो स्तनधारी जंतु तो आप जानते हैं मैमेलिया जिनको बोलते हैं, अर्थात ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, है ना, कि मतलब जिनकी मादाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो जंतु स्तनधारी जंतु कहलाते हैं, ठीक है भाई। और इनका एक विशेष लक्षण मैंने आपको बताया था, जिनके एक्सटर्नल ईयर पाया जाता हो, या ये जो पिन्ना जिसको बोलते हैं ना पिन्ना, ये इसका पाया जाना ही स्तनधारियों का मुख्य लक्षण होता है। इसमें एक्सेप्शंस थे, कुछ अपवाद थे जिनमें बाह्यकरण नहीं होता, जैसे ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल जो मछली जिसको आप बोलते हैं ना, वो मछली नहीं है, वो एक स्तनधारी जंतु है, लेकिन उसमें हमारी तरह बाहर के कर्ण नहीं होते, ये अपवाद स्वरूप है केवल, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, तो जनन चक्र के आधार पर जो जंतु होते हैं स्तनधारी जंतु, है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, है ना, या मैं आपसे सीधा ये कहूँ कि स्तनधारी जंतुओं में दो प्रकार के जनन चक्र चलते हैं, दो प्रकार के जनन चक्र। पहला जो चक्र है जिसको बोला जाता है मद चक्र, और दूसरा जो चक्र है उसको बोला जाता है रज चक्र, ठीक है। तो मद चक्र को तो हम बोलते हैं भैया एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस बोल दीजिए, चाहे आप इसको ऑस्ट्रस बोल दीजिए, है ना, ये जो ऑस्ट्रस है ना, ऑस्ट्रस ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इस लैटिन भाषा के शब्द से ही हमने एस्ट्रस को बनाया है, एस्ट्रस को, दोनों ही इंग्लिश सही हैं, आप कोई सी भी मीनिंग इसमें से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सी हो दोनों सही हैं, ठीक है। तो मद चक्र जिसको हम एस्ट्रस साइकिल बोल के चलते हैं या ऑस्ट्रस साइकिल बोल के चलते हैं, और मैं रज चक्र की बात करूं तो इसको आप मैंसुरल या मैंसुरेशन या मैंसुरेशन साइकिल इसको बोल के चलते हैं, ठीक है भाई, है ना, तो मैंसुरल साइकिल या मैंसुरेशन साइकिल। ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार हमने पॉलीकॉर्पिक मोनोकॉर्पिक पढ़ा, उसी प्रकार जंतुओं की जनन प्रावस्था में हम मद चक्र और रज चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लें इनको क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, परिभाषा तो बहुत सिंपल है, एक बार मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं दोनों की, सुनिए, बहुत सिंपल है। ए प्राइमेट मादाओं के जननांगों में, देखिए, यदि कोई जनन चक्र ए प्राइमेट मादाओं में चलता है तो आप उसे मद चक्र बोलेंगे, और यदि कोई जनन चक्र प्राइमेट मादाओं में चलता है तो आप उसे रज चक्र बोलते हैं। अब बात ये आती है, सर ये प्राइमेट और नॉन प्राइमेट आप किसको कह रहे हैं, ठीक है, कि सर
आप जो ये प्राइमेट और अप्राइमेट शब्द लिख रहे हैं ये क्या चीज है, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए सुनिए। जनन करने के आधार पर स्तनधारी जंतुओं के दो गण बनाए गए थे, दो गण है ना, एक गण है प्राइमेट गण और एक है अप्राइमेट गण। तो प्राइमेट गण के अंतर्गत केवल तीन जंतु आते, एक मनुष्य, एक बंदर और एक लंगूर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने जितने भी स्तनधारी जंतु देखे ना, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं, तो आप ऐसे बहुत सारे जंतुओं को जानते हैं, ठीक है। तो केवल इन तीनों को छोड़कर मनुष्य को आप जानते ही हैं, जानते हैं मनुष्य को, एक खूंखार प्राणी होता है मनुष्य, नहीं पता, नहीं देखा, देखा है, चलिए। तो मनुष्य, बंदरों को आप जानते ही हैं, लेकिन आप लंगूर नहीं जानते, नहीं जानते, बिल्कुल श्योर नहीं जानते कि लंगूर कौन है, एप्स जिनको बोलते हैं। लंगूर एक समूह होता है, समूह जो आप हमारे यहाँ आते हैं ना, जिनकी बहुत लंबी लंबी पूंछ होती है, ब्लैक फेस होता है, जिनको हम सामान्य भाषा में लंगूर बोलते हैं, वो लंगूर हैं, लेकिन लंगूर की प्रजाति है वो, ठीक है भाई। लंगूर समूह में आपके गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरंगुटान, बब्बून आदि प्रकार के जंतु आते हैं, जिन्हें आप लंगूर बोल के चलते हैं, ठीक है भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि जो बंदर जैसे लगते हैं, या बंदर और मनुष्य मान के चलो आप, वो भी बंदर समूह में मान लीजिए, कोई बात नहीं है। तो केवल यही जंतु ऐसे हैं जो प्राइमेट हैं। इनके अलावा जितनी भी स्तनधारी मादाएं हैं, जितनी भी स्तनधारी मादाएं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, हिरण, चूहा, जितनी भी स्तनधारी हैं, गिलहरी, जितनी की बात करूं मैं, वो सभी की सभी कौन से वर्ग में रखी गई हैं, कौन से गण में रखी गई हैं, अप्राइमेट गण में, ठीक है। तो प्राइमेट और अप्राइमेट के एग्जाम्पल आपको याद रह गए। अब यदि आपसे कोई यूँ पूछे कि भाई प्राइमेट और अप्राइमेट मादाएं क्या होती हैं, तो आपको एक बहुत सिंपल सा आंसर है, सुनिए मेरी बात। ऐसी स्तनधारी मादाएं जिनमें रजचक्र चलता है वो तो होती हैं प्राइमेट मादा, और जिनमें मदचक्र चलता है वो होती हैं अप्राइमेट मादा, ठीक है। और एक और अंतर, जो प्राइमेट मादा होती हैं उनमें जनन करने का कोई फिक्स समय नहीं होता। फिक्स समय अभी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में आपसे बोल रहा हूँ भाई। जैसे मैं मानव की बात करूँ, तो मानव में हर महीने, मतलब जनन करने का कोई फिक्स समय नहीं होता, मैथुन क्रिया करने का या प्रेगनेंसी होने का कोई फिक्स समय नहीं होता, जैसे बरसात ऋतु, सर्दी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। जबकि अप्राइमेट मादाओं में फिक्स समय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स सामान्य एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आपने डॉग्स देखे। आप कभी भी देखना, जो डॉग्स होते हैं उनमें जनन की क्रिया साल की किसी एक विशेष ऋतु में होती है, जैसे बसंत, या आप इसको बरसात ऋतु कह सकते हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ, उस समय ही तो उनमें जनन क्रिया होती है, बाकी पूरे साल उनमें फिर उसके बाद कभी जनन क्रिया नहीं होती। लेकिन मानव, बंदर, जो कि हमने प्राइमेट मादा में रखे हैं, इनमें ऐसे जनन करने का कोई फिक्स समय नहीं होता, ठीक है। ये जो मादाएं होती हैं, जो प्राइमेट मादाएं, ये हर महीने प्रेगनेंसी धारण करने की क्षमता रखती हैं। जब तक ये प्रेगनेंसी धारण नहीं करती, तब तक इनमें रजचक्र चलता रहता है। जबकि अप्राइमेट मादा एक बार जब जबकि अप्राइमेट जो मादाएं होती हैं, उनमें यदि एक बार मद चक्र आया और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये अगली बार
मतलब उस साल उसमें कभी भी मध चक्र नहीं आएगा, फिर अगली ऋतु में मध चक्र आएगा, ठीक है। जबकि मानव और बंदर में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है भाई। हर महीने जो प्राइमेट मादाएं होती हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीव हो सकती हैं, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि इनमें रज चक्र चलता है जो हर महीने चलता है, जबकि मादाओं, अच्छा मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है मध चक्र, सॉरी रज चक्र वगैरह, आपको मैंने बताया था अभी टाइम पीरियड वगैरह, ठीक है, बताया था ना रज चक्र की चार प्रावस्थाएं मैंने आपको बताई थी, ठीक है, हाँ आपको याद होना चाहिए। तो रज चक्र तो चलता है प्राइमेट मादाओं में और मध चक्र चलता है अप्राइमेट मादाओं में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अभी मैंने आपको इसको पूरी डिटेल से नहीं बताया है, ठीक है, अभी पूरी डिटेल मैंने आपको नहीं बताई, अभी तो केवल आपको इतना समझना है कि अप्राइमेट और प्राइमेट मादा क्या है। अंतर इतना सा जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि प्राइमेट मादा तो वो होती हैं जिनमें रज चक्र चलता है और उनमें गर्भधारण का कोई निश्चित समय नहीं होता, है ना, या जनन क्रिया करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, वर्ष के हर मौसम में वो जनन क्रिया कर सकते हैं। जबकि अप्राइमेट मादा ऐसी मादाएं होती हैं जिनमें मध चक्र चलता है और वो साल की किसी विशेष ऋतु में ही जनन क्रिया करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलिए आगे आइए। तो मैं थोड़ी सी बात अभी मध चक्र के बारे में करना चाहता हूँ, रज चक्र को हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, दोबारा लिंक करके मैं इसको दोबारा बताऊंगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा आप समझिए। तो अप्राइमेट मादाओं में कौन सा चक्र चलता है भाई? मध चक्र चलता है। क्या होता है ये मध चक्र, जरा यहाँ सुनिए, देखिए, जो अप्राइमेट मादा होती हैं उनके जननांगों में जब कोई जनन चक्र आता है तो हम उसे मध चक्र बोलते हैं। तो उस मध चक्र के समय मादा योनि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब अप्राइमेट मादा की योनि से स्रावित होता है तो इस हार्मोन की वजह से उनमें उस समय जनन करने की इच्छा जो होती है वो जागृत होती है, ठीक है। तो अप्राइमेट मादाओं में जब मध चक्र चलता है उसी समय उनमें जनन इच्छा होती है, जनन करने की इच्छा होती है, तब वो किसी भी मेल को अलाउ करते हैं मैटिंग के लिए, है ना, मैटिंग करने के लिए, ठीक है। मैटिंग माने मैथुन क्रिया करना, ठीक है भाई, हाँ। तो जब उनमें मध चक्र चलता है अप्राइमेट मादाओं में तब ही उनमें मैटिंग क्रिया हो सकती है। यदि इनमें मध चक्र नहीं चला तो ये कभी भी किसी मेल को अलाउ नहीं करती हैं मेटिंग क्रिया के लिए। आपने देखा होगा जैसे सामान्य में अब डॉग्स की बात करूं, ठीक है, है ना भाई, या डॉग्स में क्या होता है कि जब इनका मध चक्र चलता है तभी इनमें जनन क्रिया होती है, अर्थात ये मेल को अलाउ करती हैं मेल डॉग को, फीमेल डॉग। अन्यथा आपने देखा होगा पूरी साल कभी भी मेल और फीमेल जो डॉग होते हैं उनमें मैटिंग क्रिया देखने को नहीं मिलती, केवल जब इनमें मध चक्र चलता है विशेष ऋतु में तो ही वो मेल को अलाउ करती हैं। तो मध चक्र में ये बात होती है भाई, है ना, कि जब इनका मध चक्र आता है तभी इनमें जनन इच्छा होती है ना भाई, अन्यथा इनमें कभी भी जनन इच्छा नहीं होती, है ना। अच्छा, कौन सा हार्मोन निकलता है मध चक्र में? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो मध चक्र होता है इसके आने के आधार पर जो जंतु हैं मैंने उनको दो भागों में बांट रखा है, एक तो है मोनोएस्ट्रस और एक है पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस, यहां तक दिख रहा है आपको, ठीक है, चलिए। तो मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या है भाई मोनोएस्ट्रस और क्या है पॉलीएस्ट्रस। देखिए, मोनो माने क्या होता है? एक, और पॉली माने क्या होता है? बहुत सारे, ये तो आपको पता ही है,
अब ध्यान सुनिए, किन्हीं जंतुओं में जो मदचक्र होता है वो साल में केवल एक बार आता है विशेष ऋतु में, तो आप उसे तो मोनोएस्ट्रस बोल देंगे, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ जंतुओं में जो मदचक्र होता है वो कोई विशेष ऋतु में ही बार बार आता है, पूरी साल नहीं आता, एक विशेष ऋतु में ही बार बार रिपीट होता रहता है, उसे हम पॉलीएस्टस बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए, कुत्ता, भेड़िया, ठीक है, ये तो मोनोएस्ट्रस है। पॉलीएस्ट्रस की मैं बात करूँ तो जैसे गाय है, चूहा है, हिरण वगैरह हैं, ये सारे, ठीक है भाई। अब इनमें अंतर देखो, अंतर मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। कुत्ते की मैं बात करूँ तो एक जो फीमेल डॉग होती है उसमें एक साल में, हम एक साल की बात करके चल रहे हैं, एक साल में केवल एक ही बार मद चक्र आता है, कितनी बार, एक ही बार, तो आप उसको मोनोएस्ट्रस बोल सकते हैं ना। एस्ट्रस माने एस्ट्रस साइकिल, मोनो माने एक, तो यदि किसी जंतु के एक साल में केवल एक ही बार मद चक्र आए तो आप उसे मोनोएस्ट्रस बोलते हैं। यदि उस मद चक्र के समय ये जंतु प्रेग्नेंट नहीं होते तो ये उस साल बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, फिर अगली साल जब इनका मद चक्र आता है और तब ये प्रेग्नेंट होते हैं तब बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है यदि ये मद चक्र इनके चला और इनको इनकी मैटिंग क्रिया नहीं हुई, या मैटिंग हुई है या कोई कारण से युग्मकों का संलयन नहीं हुआ या बच्चे नहीं बने, तो अगली बार मतलब उस पूरी साल में इनमें ऐसा मतलब जो जनन क्रिया है वो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इनके जीवन का जीवन काल ना कई कोई बात नहीं जीवन काल नहीं एक साल में ना, तो एक साल में केवल एक ही बार मद चक्र इनमें चलता है। हालांकि इनमें दो बार भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग एक ही बार पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये मोनोएस्ट्रस हैं। अब मैं बात करूं पॉलीएस्ट्रस जंतु की, तो पॉली माने बहुत सारे, एस्ट्रस माने एस्ट्रस साइकिल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, जैसे मैं बात करता हूँ गाय की, ठीक है। तो गाय जब किसी बच्चे को जन्म देती है, गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं भैया, बछड़ा बोलते हैं, काफ बोल के चलते हैं, काफ बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो बछड़ा देने के 21 दिन बाद, 18 से 21 दिन बाद ये हीट में आती है, सामान्य भाषा में हम इसे हीट बोल के चलते हैं, या इसमें मद चक्र चलता है। अब जरा अंतर समझना, देखो, बछड़ा देने के बाद 21 दिन बाद इसमें मद चक्र चला, गाय में मद चक्र चल रहा है, आपको पता नहीं चला कि इसके मद चक्र चलता है, मद चक्र चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि अप्राइमेट मादाओं में जब मद चक्र चलता है तब ही वो मैटिंग क्रिया कर सकती हैं, मेल को अलाउ कर सकती हैं मैथुन क्रिया के लिए, मैटिंग के लिए, ठीक है। तो आपको पता नहीं चला कि भाई ये जो गाय है वो मद चक्र में है, ठीक है, तो आपको पता नहीं चला, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये प्रेग्नेंट नहीं हुई क्योंकि पता नहीं चला था कि भाई मद चक्र है, तो मेल अलाउ नहीं हुआ, मतलब मेल से मैटिंग नहीं हुई, तो ये अगली साल मद चक्र नहीं चलाएगी जैसे यहाँ चला था, ये क्या करेगी, अगले 20-21 दिन बाद फिर दोबारा से इसमें मद चक्र आएगा, अगेन अगले महीने की बात कर रहा हूँ, दोबारा से उस समय भी मैथुन क्रिया नहीं हुई, मैटिंग नहीं हुई, ठीक है, तो इसमें अगेन 21 दिन बाद फिर तीसरी बार मद चक्र चलता है। तो जब तक ये प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, मैटिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युग्मक संलयन नहीं हो रहा है कोई कारण से, अर्थात कहने का मतलब है जब तक ये गाय प्रेग्नेंट नहीं होगी ना, तब तक इसमें क्या चलता रहेगा, मद चक्र चलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए, एक साल में मान लीजिए चार बार मद चक्र हुआ, पांच बार, आप साधारणतः सभी जानते हैं, आपने सुना होगा गाय भैंसों का रिपीट होना, है ना,
कि इस बार हीट में आ रही है, उसकी मैथुन क्रिया मैटिंग भी करवाई लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगली बार वो फिर हीट में आती है, फिर उसको मैटिंग के लिए ले जाया जाता है या मेल को अलाउ करती है वो। आगे बात समझ में? तो तब तक उसमें मद चक्र चलता है ना, आप सभी जानते हैं। तो बताइए वो पॉलीएस्ट्रस जंतु हुआ कि नहीं हुआ? पॉली माने बहुत सारे, एस्ट्रस माने एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो ये बात है। तो मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस में अंतर नजर आया आपको, ठीक है। मोनोएस्ट्रस में साल में केवल एक ही बार मद चक्र होता है। यदि ये इस समय फीमेल डॉग, सॉरी कोई भी फीमेल जो ये है मोनोएस्ट्रस में, यदि वो प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चों को जन्म देंगी, अन्यथा वो पूरी साल बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। जबकि गाय भैंस में क्या होता है, 21 दिन में ये रिपीट होता रहता है मद चक्र। तो आप इनको पॉलीएस्ट्रस जंतु नहीं बोलेंगे क्या, बताइए? ठीक है, तो ये बात होती है भाई मोनोएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस की, जंतुओं की, ठीक है। तो ये था हमारा मद चक्र। अब कल की वीडियो में मैं आपको रज चक्र बताऊंगा और एक बार दोबारा से इसको लिंक करके बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी बातें करेंगे हम कल।